आप रोगे मैं भी रोऊंगा, रो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैंने अभी अभी मेरा टेम्परेचर रहा था, मेरा टेम्परेचर अभी आ रहा है 98, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। हाँ मीशु अभी ले रहा हूँ बेटा, अभी सुबह 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 क्यों भाई, क्या देखना है आपको? सुबह सुबह चूचू टीवी देखना है मीशु को? लो बस, तो टेम्परेचर मेरा नॉर्मल है, लेकिन मेरी बॉडी में वीकनेस अभी भी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि एक तो मेरा सर और मेरा जो गला है वो अभी भी मतलब जोर पड़ रहा है उसमें। अभी भी मेरे को दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और आज है हिना जी का पेपर, क्योंकि अभी तक तो प्लान ये है कि मैं सेंटर के बाहर ही बैठूंगा गाड़ी में मीशू को लेकर के। अब देखते हैं वहाँ पर, अगर मीशू कंफर्टेबल रही तो ठीक है, और अगर नहीं रही तो फिर है ना मैं मीशू को लेकर के यहाँ आ जाऊँगा घर पे। फिर उसके बाद जो सिचुएशन होगी उस पर देखेंगे। तो अभी फिलहाल हिना जी बना रही है खाना, दिन के हिसाब से भी और अभी के हिसाब से भी ये बन रहा है इधर, और रोटी भी बनने वाली है। मीशू को हमने खिला दिया पहले ही, और दिन के लिए हम उसके लिए लेके चले जाएंगे। अगर उसको भूख लगेगी तो मैं उसको खिला दूंगा गाड़ी में ही, और अगर नहीं तो फिर अगर वो सोती रहती है तो फिर है ना फिर उसके हिसाब से देखेंगे। अभी बेसिकली अभी हम खा के जाएंगे। हाँ अभी तो अपन नाश्ता कर लेंगे, फिर बाद में अभी दो दो परांठे खा लेंगे। हाँ। है, और मैं दवाई भी ले लूंगा। दो बजे छूटेगा, निकलते दो सवार हो जाएगी। हाँ 11 से 2 का पेपर है, टाइमिंग भी ऐसा रखा है मतलब ना इधर का ना उधर का, ना बीच में। सुबह सुबह 8-9 बजे का पेपर पे किसी टाइम पे होते थे। पहले पेपर का टाइमिंग यही होता था 9 से 12, ये पेपर का टाइमिंग हुआ करता था। अब पता नहीं 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 1 2 2:30 3 4 5 शाम को 5 बजे पेपर शुरू होते हैं। आप रोगे मैं भी रोऊंगा, रो। आ रो। आप रोगे मैं भी रोऊंगा, मतलब मेरा चू 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 कर रहे हैं। कार्टून देखना है, मैंने बोला कि थोड़ा सा टहलो, फ्रेश नहीं हुई है ये। अब वहां पर जाके फ्रेश होगी, वहां पर कहां पर मैं धोता फिरूंगा इसकी। चलो खड़े हो, और है ना क्या बोलते घूमो पहले। चलो मैंने बंद कर दिया तो रो रही है, तो मैं अगर ये रोएगा तो मैं भी रोऊंगा साथ में। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हो परांठे बन गए, तो फिर मैं बैठ जाऊँ खाने के साथ? सोच रहा दूध के साथ ही ले लो, दूध के साथ। मैंने नाश्ता कर लिया है, अब हिना जी नाश्ता कर रही है, मीशो यहाँ पर मस्ती करने में लगी हुई है। मीशो बिट्टू नहीं भाई, चलो उधर। अभी हम बस निकलने वाले हैं 10 मिनट में, इना जी नाश्ता कर ले उसके बाद हम निकल जाएंगे। और अभी तो हमने डिसाइड किया है कि हम वापस आएंगे। नहीं क्या हो रहा है ये, देखो निशान कर दिया। छोड़ो दो, छोड़ो लाओ, लग जाएगी बेटा आपकी, छोड़ो तो मारा मारी नहीं इससे। फिर भाई देखो तो ये देखो मस्का भी लगाने में नंबर वन है। गाइस हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकलने के लिए रेडी हैं। अभी बज रहे हैं 10:45 और 11 बजे की एंट्री है। मीशू चले बिट्टू, तो गाइस मैंने हिना जी को सेंटर छोड़ दिया है और मैं मीशू को लेकर के घर जा रहा हूँ। देखो ये क्या कर रही है। देखो आप घर पहुंच पाता हो कि नहीं। मीशु प्लीज, थोड़ी देर की बात है। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा। नहीं बेटू नहीं 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 नहीं, सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करी, सीट बेल्ट लगाई नहीं इसने। मैं और मीशु घर आ चुके हैं, और यहाँ जैसे हम घर पहुंचे तो यहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही है। घर पे लाइट आई नहीं है। मीशु बेटू लाइट नहीं आ रही, पौने 11 हो रही है, 15-20-25 मिनट लगे पहुंचने में। रास्ते में इसने बहुत परेशान किया, टिकी नहीं रही थी इसको, एक हाथ ही तो इसको पकड़ रखा था और एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। बड़ी मुश्किल से लेकर आया उसको मैं। इजी नहीं है बच्चे के साथ ड्राइव करना, अगर बच्चा स्टेडी होकर बैठा होता तो दिक्कत नहीं है, मगर इधर तो भग रहा है, इधर तो हिल रहा है, तो प्रॉब्लम है। 12:30 हो चुकी है और मीशू को मैंने खिला भी दिया और मैंने भी खाना खा लिया। मीशू को मैंने सुला दिया, जैसे तैसे करके सुला दिया,
ये देखिए बड़ी मुश्किल से सोई लेकिन सो गई। अभी 2 बजे पेपर छूटेगा तो मैं यहाँ से 1:45 बजे करीब निकलूंगा। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ी देर सो लूँ, क्योंकि मेरी जो तबीयत है अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई है और बाहर मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है। लगता है बारिश आएगी, अगर बारिश आएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मौसम ऐसे बारिश का तो हो रहा है लेकिन बारिश होगी नहीं। हम हिना जी को लेने के लिए जा रहे हैं। मीशू उठ चुकी है, उठ के चुकी है, उठा दिया मैंने, गाना बज रहा है, उस पर नाच डांस कर रही है। 1.5 घंटे की नींद हुई है इसकी, नींद में क्या कर रहे हैं, अब ले जाना भी जरूरी है, इस वजह से इसको उठाना पड़ा मुझे। चले मीशू, मम्मी को लेने चले बेटू, चले। हम घर पहुंच चुके हैं, हिना जी खाना खा रही हैं और मीशू यहाँ पर नाटक कर रही है। रास्ते में ना थोड़ी देर तो शांत रहे, उसके बाद इतना परेशान किया इसने, रोना धोना शुरू हो गया इसका जबरदस्त। और वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रोई है, बाद में मैंने गाड़ी रोक करके शांति से मैंने उसको पहले गले से लगा के और फिर इसको सुलाया, मतलब थोड़ी नींद आ रही थी इसको, आधी नींद कच्ची नींद उठा के ले गया था ना, इसलिए आपको देख के जबरदस्त रोई। चले खाने पे, आकाश आकाश भाई खुशी का दीदी के पास चले। मेरे फ्रेंड आकाश ने हमें इनवाइट किया है खाने पे, तो आज हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं, तो आधे 1 घंटे में निकलेंगे मिशो को खिला करके। दूध भी बहुत नाटक कर रही नहीं है, आप पता नहीं आज क्या होगा, खाने में नाटक पूरा दिन, खाने में भी दूध में भी। आज मैं जब से खाना खा रहा था दिन में, तो खाने में भी इसने बहुत नाटक किए और अब दूध में भी नाटक कर रही है। दूध पिला दिया है, थोड़ा बहुत खा लेगी हमारे साथ और बाकी आके खा लेगी। सो गाइस हम रेडी हो गए, हिना जी भी और मीशू भी रेडी हो गया है। मीशू चले, मीशू मीशू काका कर, काका को इनवाइट नहीं किया ठीक है ना, इसलिए काका को रहने दो। काके बाय कर, काका को बाय बाय कर दो, बाय बाय काका। काका को कपड़े तो पहनाओ, नंगा घूम रहा है देखो। सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और हमारा खाना भी बिल्कुल सही रहा, मतलब हल्का फुल्का ही खाया हमने। मीशू मीशू थक के ढेर हो गई, मीशू थकान बहुत हो गई मीशू। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो भाई, क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं लगा? आज मीशू पूरे दिन में मात्र सिर्फ 1.5 घंटा सोई है। मीशू दिन में जब उठी तो उसके बाद वो बिल्कुल नहीं सोई, अब तक कंटिन्यू जग रही है। और मेरी जो तबीयत है वो अब बिल्कुल ठीक है, मुझे ना तो बुखार है, ना ही जुकाम है, ना ही सर में दर्द है। सुबह मेरे काफी सर भारी भारी हो रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं है और वायरल बहुत चल रहा है, तो उससे बच के रहे जितना हो सके। सो गाइस इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय बाय।